गठबंधन नहीं होगा। राहुल जी के सामने ये डिसीजन हुआ तो फाइनल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ से कांग्रेस का इनकार सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने के बारे में क्या सोच रही है। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुनाव से पहले बिखरते एनडीए की कील और कांटे दुरुस्त कर लिए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी से नाराज शिवसेना को मना लिया है। बिहार में बीजेपी ने जेडीयू को अपने कोटे से सीटें देकर गठबंधन को मजबूत किया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन का ऐलान हो चुका है। तमिलनाडु में बीजेपी ने एआईएडीएमके को एनडीए में शामिल कर लिया है। यानी चंद महीने पहले तक नाराज चल रहे सहयोगियों को मनाकर बीजेपी ने मैदान मार लिया है। बीजेपी के मुकाबले विपक्ष की तैयारियों को अगर देखें तो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीएसपी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है। बिहार में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी में तकरार है। दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर रही एसपी बीएसपी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मैदान में है। राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव में उतर रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंदर इस बात पर घमासान मचा है कि लेफ्ट और ममता में किससे हाथ मिलाए जाएं। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी ने अपने गठबंधन में राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी शेतकरी संगठन और प्रकाश अंबेडकर को शामिल नहीं किया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन अभी फाइनल नहीं हुआ है। यानी विपक्ष एकजुट होकर मोदी का मुकाबला करना तो चाहता है, लेकिन गठबंधन की बात अब तक फाइनल नहीं हुई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का किसी भी दिन ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।